दोस्त, आज की पीटीओ में हम बात करने वाले हैं रनिंग को तेज करने वाले कुछ ऐसी एक्सरसाइज पर जो एक आम बंदे को अच्छा खासा रेसर बना सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज में वो पावर होती है जो एक आम बंदे को खास बना देती है। तो दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नंबर फर्स्ट, प्लायोमेट्रिक्स। दोस्त, अगर जबरदस्त रनिंग चाहिए तो रनिंग स्टार्ट करने से पहले ये एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, बिकॉज इस एक्सरसाइज से बंदे के स्टेमिना के साथ साथ लेग्स भी हार्ड होती हैं एंड लॉन्ग स्टेप में हेल्प होती है। दोस्त, अगर सही मायने में बात की जाए तो रनिंग आपके लेग्स एंड प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जिस बंदे की लेग्स जितनी हार्ड होंगी उस बंदे को रेस में उतनी आसानी होगी, क्योंकि आसान कुछ भी नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है, कुछ अपने जिस से तो कुछ अपने जुनून से। रनिंग की दुनिया में एक थॉट है, जितना आपका वेट लॉस होगा उससे कहीं ज़्यादा आपकी रनिंग फास्ट होगी। और यहाँ पर वेट लॉस का मतलब आपके बिल्कुल पतले या कमजोर होने से नहीं, बल्कि वेट लॉस का मतलब है कि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट या पेट में एक भी चर्बी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट आपको कभी भी तेज दौड़ने में मदद नहीं करेगा। और इसके लिए भी कई एक्सरसाइज हैं जो रनिंग के बाद या रनिंग के पहले आप कर सकते हैं। स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज में खास बात यह है कि इसे करने से आपके वेट लॉस के साथ साथ आपकी लेग्स भी हार्ड होती है, इसीलिए इस एक्सरसाइज को हर बंदे को रनिंग के पहले करना चाहिए। दोस्त, और कई ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लेग्स को और मजबूत बना सकती है। एज एग्जाम्पल, सीढ़ियों पर बार बार चढ़ना, रस्सी कूद, इन सब एक्सरसाइज को अगर आप डेली करते हो तो रिजल्ट आपके सामने होगा। एंड अगर आप कई महीनों से रनिंग कर रहे हो फिर भी आपकी स्पीड ग्रो नहीं कर रही है, तो आज आपको एक ऐसी धांसू जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, और ये ट्रिक अगर आपने फॉलो किया 100% ये ट्रिक हर बंदे पर वर्क करेगी। तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। दोस्तों, जैसे आपको 1600 मीटर की रनिंग करना है और ये रनिंग जबरदस्त करना है, तो आप पहले 2000 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर लीजिए या आपका जो टारगेट हो उसके अकॉर्डिंग, एंड लास्ट में जब आप घर वापस आने लगे तो 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर की स्प्रिंट करिए। और इस स्प्रिंट में आप अपने बॉडी की पूरी एनर्जी लगा दीजिए, जान लगाकर रनिंग करिए फुल स्पीड में। कुछ दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। एंड लास्ट में, अगर आप रेगुलर रनिंग नहीं करते हो तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे, बॉडी में पेन होगा, मांसपेशियां भी खींच सकती हैं। हो सके तो आप रेगुलर रनिंग करिए, बिकॉज कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। एंड सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, इसलिए आप जबरदस्त कंटिन्यू लगे रहिए। अगर रनिंग के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। नहीं तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।